राजभवन में राष्ट्रपति को नागरिक संवर्धना जय जगन्नाथ आरंभ कले अभिभाषण कले समृद्ध भारत अभियान ओडिशा हो आरंभ पाइक विद्रोह कथा मनरे भरी दिए गर्व ओडिशार कला संस्कृति को कले प्रशंसा कहले माटीर आकर्षण नियारा भक्त भगवान मिलन पर भांगा प्रोटोकल बड़दाणी चली चली गले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नील चक्र को देखिए भावबेहु श्रीमंदिर श्रीजी को दर्शन कले महामयी तले बस कदमी पत्र खाइले महाप्रसाद केमिति राष्ट्रपति पिलादिन स्मृति बखाणिले महामयी सहपाठी सामना को आसला पिलादिन विरल फटो कल यूनिट टू स्थित स्कूल और कुंतला कुमारी सावत हॉस्टल परिदर्शन करेंगे राष्ट्रपति अर्चना नाग मामलें सहयोगी खगेश्वर को उठाई नेला ईडी अर्चना सह कौन रही संपर्क गुड़ाई तुड़ाई करुछि प्रश्न चढ़ाव बेले बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिली सूचना स्कानर में 10 रु अधिक व्यक्ति से अर्चना संपर्क में चांचल्यकर खुलासा कले भौणी रोगी दुख दूर करने परिवर्त बढ़ाइले एम्स कर्तृपक्ष पूर्व बारंडार मशारी टांगी शोपड़े रोगी और संपर्क खबर प्रसारण पर एम्स निर्दय निष्पत्ति मिलूनी बारंडार शोवा अनुमति रास्ता कड़े खोला आकाश तले कटुच रोगी दिन एसओ परीक्षा स्वच्छता को नहीं उठिला प्रश्न परीक्षा परिचालन रे दुर्नीति अभियोग ओपीएससी कार्यालय रे आशायी प्रतिवाद ओपीएससी कहला अभियोग भित्तिहीन आज मांडिया दिवस चाष पर गुरुत्व दिया बाहरी मास्कट मिल चाषी आय वृद्धि सहायक 19 जिला 142 ब्लक में चाषी को नहीं कार्य कर मिलेट मिशन एणिकी राशन में मिल मांडिया मध्याह्न भोजन में बसा मिल आडिलेड रे भारत लज्जाजनक पराजय उभय बैटिंग बोलिंग रे फेल मारा टीम इंडिया सेमिफाइनल रे 10 विकेट रे जीतिला इंग्लैंड निराश हेले कोटि कोटि प्रशंसक रविवार पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल भारत माटी मो पाई खांटी सुना देशर जो स्थान रे थिले भी ओडिशा मो पाई प्रिय राष्ट्रपति नागरिकों सम्मान अवसर रे राजभवन में एभली कहते महामयी द्रौपदी मुर्मू से हीपरी उत्तर दक्षिण भारत मध्य ओडिशा संपर्क सेतु बोली राष्ट्रपति देशर सांस्कृतिक महाशक्ति समृद्ध ओडिशा कला और संस्कृति नारी नेतृत्व नेबा क्षेत्र में केते आगुआ से कथा कहिबाकु जाई स्वाधीनता संग्राम रो उदाहरण मध्ये रखिछन्ति राष्ट्रपति देशर स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशार नेतृत्वर अवदान थिबा कहिछन्ति महामहिम श्रीजी को दर्शन सारी भुवनेश्वर राजभवन को फेरिबा परे समाजर समस्त वर्गर नागरिकों को भेटिथिले राष्ट्रपति एहि अवसर रे कोन कहिथिले राष्ट्रपति सुनि नियंतु भारतर माटी मो पई खांटी सुना तो भारतर जल जीवन और भारतर पवन प्राण स्पंदन भारतर प्रतिशिला शाग्राम तो भारतर प्रतिवृक्ष कल्पवट मूलर उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दर्शन में विश्वास कर आसी भारतर जोठी थे भी ताहा मोर निज घर गोपबंधु लेखिंटे ले जो ही तो ही भारत बक्षरे मणिबू मणिबि मुझे आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शाग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम निज मटीर महक भिन्नता अच्छी निज राज्यर पानी और पवनर आकर्षण भिन्न एवं निज अंचल दिग दिगंतर सौंदर्य नियारा तेणु आज ओडिशा आसी मु अत्यंत आनंदित प्रिय बंधुगण भारतवर्षर भूगोल और इतिहास ओडिशा एक स्वतंत्र स्थान बजाय रखी आसी उत्तर और दक्षिण भारत मध्य ओडिशा को संपर्क सेतु भाव में केतेक ऐतिहासिक अभिहित करिसंति भारतवर्ष पृथ्वी एक सांस्कृतिक महाशक्ति भाव में परिचित विविध नृत्य संगीत और कला कारीगरी गंताघर भारत भारतर ए कला क्षेत्र को ओडिशार अवदान अतुलनीय भारतर आठ गोटी शास्त्रीय नृत्य मध्य ओडिशी अन्यतम तो भारतर छह गोटी शास्त्रीय भाषा मध्य ओडिया अन्यतम साहित्य सांग को कला संगीत क्रीड़ा समाजसेवा और आईटी आदि क्षेत्र में ओडिया युवपीढ़ीर योगदान प्रशंसनीय भारत में अनेक प्रकार लोकनृत्य रही से क्षेत्र को छौ संबलपुरी गोटीपुओ रणपा चढ़िया चढ़ियाणी आदि अनेक नृत्य ओडिशार दान
ଓଡ଼ିଶା 62 ବର୍ଗର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାସ୍ରୋତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ମା ରମାଦେବୀ, ସାରଳା ଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶାର ନେତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତରେ ହୃଦୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଗୁଜରାଟ, ଯେଉଁଠି ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଖୋଲିବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ବା ଏସ୍ଆଇର ନୂଆ ସର୍କଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ସର୍କଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରୀରେ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ପୁରୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାତାପଣକୁ କେହି ସରିହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ଦାତାପଣରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ସରି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ନିବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁରୀରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସର୍କଲ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯିବା ବିଷୟରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ପୁରୀଠାରେ ଏକ ସର୍କଲ ଅଫିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁରୀଠାରେ ଏଏସ୍ଆଇର ଏକ ନୂଆ ସର୍କଲ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜଣେ ଜଗତର ନାଥ, ଆଉ ଜଣେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଜଣେ ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଟାଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥାଏ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଛାତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ହଲାଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିବାଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଯଦିଓ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ହତଚକିତ ରହିଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୀଠରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମହାମହିମ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଭାବ ବିନିମୟ। 2.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା କିଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଲଭ ସ୍ନେହ ମମତା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସିଥିଲା ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସ
सिंह द्वार रे पहुंचिबा परे ओडिया घरर बहु भली अरुण स्तंभ स्पर्श करी आशीर्वाद नेथिले। सिंह द्वार स्थापना रे राष्ट्रपति को स्वागत संबर्धना दिया जायथिला। पुष्प गुच्छ दे स्वागत करथिले गजपति महाराज। पाँच दे गर्भगृह को प्रवेश बेले प्रति पहाच को छुई मुंडिया मारी महामहिम सिंह द्वार सम्मुखे और बैश दी पहाच में मुंडिया मार दृश्य समस्त को करदे अभिभूत। बहुत भाव विहस से महाप्रभु दर्शन करते प्रथम गरुड़स्तंभ दर्शन करापर पतित बावन को दर्शन करते पतित बावन को दर्शन करापर बैश पाचर समस्त पाच को मुंड लगे से महाप्रभु को गरुड़स्तंभ दर्शन करते गरुड़स्तंभ दर्शन करापर गर्भगृह को जाते गर्भगृह में किसी समय बिताई आ समस्त महाप्रभु को चतुर्धा मूर्ति बहुत समय धरी दर्शन करते दीप आरती करते आ मंदिर परिक्रमा करते परिक्रमा करापर बेहरण द्वार सेवायत मान तरफ संबोधन जनाता ग्रहण करते से मूर्ति मंडपर आशीर्वाद नहीं तापर माँ विमला पाख जाते श्रीमंदिर प्राय 40 मिनिट काल रही राष्ट्रपति गर्भगृह महाप्रभु को दर्शन करने एक लक्ष तुलसी लागी कराइबा बेले होइपड़िथिले भाव विहोळ। आउ साधारण भक्त हिसाब से बहुत थर आसी काउनसिलर हिसाब से विधायक उपर हिसाब से मंत्री हिसाब से आसी राज्यपाल हिसाब से किंतु आज राष्ट्रपति हिसाब से आसर जो भक्ति भावना थाए से चली चली मड़दाण्ड आसी जिते बड़े सिंहद्वार सम्मुखें प्रथम साक्षात है जिते मोर परिचय पाइले महाप्रभु को मुख्य सेवक से मोर आशीर्वाद जिते कली सी कह महाप्रभु को प्रार्थना कर आ विश्वर मालिकों पाखे आपण मैंने अच्छा आपण मैंने धन्य आँच साधारण निमित्त मात्र। भारतर सर्वोच्च पद अलंकृत करने प्रथम थर ओडिशा गस्तरे आसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मातृभूमि पाद देवापर से जी विभोर हो उठी से उत्कंठार अपेक्षा करते राज्यवासी दिल्ली विमान भुवनेश्वर में पहुंचा पर पाछुटी आने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यपाल गणेशी लाल केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख पहुंची विमानबंदर दि जा गार्ड अफ अनर एही माटीर झील तथा देशर महामहिम को दि जा विपुल स्वागत संबर्धना। पुरी कैमरामैन सुकांत प्रभात पवित्र स्तुतिरंजन प्रधान और सीमांचल पाढ़ी रिपोर्ट कनक न्यूज। अर्चना नायक मामलें सहयोगी खगेश्वर को उठाई नहीं डी खगेश्वर को गुड़े तुड़े प्रश्न करुछंती अधिकारी अर्चना और स्वामी जगबंधु कौन रही संपर्क से नहीं अधिक जेरा करपरी खगेश्वर समेत छह जन बयान रेकर्ड कर छटी भिन्न भिन्न स्थान में छह जन बयान रेकर्ड कर अर्चना बापा बयान रेकर्ड कर तेज खगेश्वर रेड बेले ईडी हाथ में छटी गुरुत्वपूर्ण तथ्य लगी सूचना मिली। खगेश्वर कार शोरूम अर्चना टंका लगी सूचना मिली। रेड पर ईडी स्कानर में 10 अधिक व्यक्ति सूचना मिली। आम प्रतिनिधि सौभाग्य परिडा जोड़ी सौभाग्य खगेश्वर जे कि अर्चना सहयोगी ईडी वर्तमान समय उठाई नहीं किसी प्रश्न कर सूचना आसूचे जे अर्चना टंका खगेश्वर कार शोरूम लगी कौन अधिक तथ्य पाई ईडी देखु सका समय ईडी आज तदंत कर छटे स्थान जितने से रेड कर छु अधिक लोकों बयान को रेकर्ड कर भितर जी रही है भिक्टीम पर लोकों बयान को रेकर्ड कर भाव में अर्चना बापा बयान कोकर्ड कर तो जो भाव में छटी स्थान को रेड कराइला छटी स्थान में एकाधिक लोकों बयान को रेकर्ड कर खगेश्वर जितने आज खगेश्वर जो पचरा उचरा कराला घर जाकि ईडी पहुंचला से समय कौन सतोषजनक उत्तर दे पार खगेश्वर जो कि दिन समय ईडी निज कार्यालय को उठे आनी बर्तमान सुधा जेरा करी कार्यालय में माराथन जेरा बेले बहुत गुड़े तथ्यभित प्रमाण बर्तमान सुधा ईडी हाथ है बड़ कथा हूँ जे समस्त बयान जो रेकर्ड कर अर्चना आर्थिक कारबार कौन रही से नहीं कि अधिक खोलताड़ जारी रही तेरे
विशेष करके जो गाड़ी से चढ़ुते जो भाई भाव में गाड़ी घोड़ार कथा कहला जो से भी आसिकी बहुत गुड़े तथ्य सामना को आनी तो यार भितर वर्तमान सुधा बड़ कथा हूँ जे खगेश्वर पात्र पाखे अर्चना कला टंका लगी पचरा उचरा कि खगेश्वर को आज डक इडी अफिस को इडी अफिस को उठाई नहीं बर्तमान सुधा पचरा उचरा कर जो सेकेंड हैंड कार शोरूम था से अर्चना केते पैसा लगी केबेठू लगी केबेठू सहित संपर्क रही है कि भाव में एमाने कार शोरूम करते सेकेंड हैंड कार शोरूम केते टंका लाभ होता एम जीएसटी फांकुले कि हटात केमती घर तैयारी करते तो कम दिन रे जड़े कलाहांडी आसिकी भुवनेश्वर एत बड़ आलिशान बंगला केमती या कले जो भाई भाव में आप देखी अर्चना घर भितर दृश्य यह सब जिनस कौटू आसला टंका गुड़िक केमी कारबार करने जो आर्थिक कारबार करते से गुड़िक सब नगद टंकार करते तेज नगद टंकार जो करते नगद टंका दे कि कौ कौ जगार गाड़ी किणी कौ कौ जगार घर आसवाब्र कि नगद टंकार कौटू गाड़ी किणीगुड़ छानबीन कर तो खगेश्वर पाखे बहुत गुड़े तथ्य रही इडी वर्तमान सुधा भावुच खगेश्वर को पाखापाखी पांच छह घंटा धरी वर्तमान सुधा जेरा करा खगेश्वर ठार बहुत गुड़े तथ्य मिले आशा करपटे अर्चना बापा कौन विस्फोरक बयान देखा वर्तमान सुधा इडी पाखे खबर रही इडी सूचना अनुसार अर्चना बापा कथा कहतु कि श्रद्धाजलि पर लोक कथ कहतु एम बहुत गुड़े तथ्य बर्तमान सुधा इडी को लगी इडी हाथ में लगी छह जगार जो बर्तमान सुधा रेड कर छह जगार रेड बेले बहुत गुड़े डॉक्यूमेंट लगी इडी हाथ में खगेश्वर जन सहयोगी रही है जी कार शोरूम को संभालुता आज पचरा उचरा कर आवश्यकता पड़े एकाधिक लोक इडी उठाई नब और एकाधिक लोक समन कर यार भितर दस जन को बर्तमान सुधा इडी निज स्कान रखी दस जन ना बर्तमान सुधा जो तदंत बाधाप्राप्त हो से गणमाम कहुए ना सत कि दस जन को खूब शीघ्र पचरा उचरा कर आज पाखापाखि छह जन बयान रेकर्ड शेष होती यार भितर दस जन स्कानर अच्छे से समस्त अर्चना संपर्क थे कि कौ नेता मंत्री विधायकों संपत्ति रही तालिका धीरे धीरे इडी बर्तमान सुधा प्रस्तुत करार्थिक कारबार उपर आर्थिक नेणदेण उपर नजर रखी अर्चना आकाउंट रु कि टंका ट्रांजाक्शन होती बड़ बड़िया लोक खुब शीघ्र जहां सूचना देते मोट दस जन इडी स्कानर रही छह जन बयान रेकर्ड हो खगेश्वर ठू आउ किछि अधिक जानिबा पई ईडी चेष्टा मध्य करि पारे बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्य आपणकर अधिक सूचना पई नैराश्यजनक प्रदर्शन सह टी20 विश्वकप्रु विदाय नेला टीम इंडिया द्वितीय सेमिफाइनाल इंग्लैंड थारु 10 विकेट रे हारिछि भारत सेबडि इंग्लैंड टीम तृतीय थर विश्वकप फाइनाल टिकेट काटिछि टाइटल लड़ाई में इंग्लैंड रा सामना पाकिस्तान सह हेबो या पूर्वरु इंग्लैंड 2010 और 2016 संस्करण रो फाइनाल रे पहुंचीथिला एडिलेड ओवाल रे खेला जाइथिबा सेमीफाइनाल रे टॉस हारी प्रथमे बैटिंग करथिला भारत निर्धारित 20 ओवर रे 6 विकेट हराई टीम इंडिया करथिला 168 रन लोकेश राहुल रोहित शर्मा निराश करथिले विराट कोहली हार्दिक पांड्या दमदार बैटिंग करी भारत को सम्मानजनक स्कोर रे पहुंचाइथिले कोहली 40 बॉल रे 50 रन करी आउट होइथिले तेब हार्दिक मात्र 33 बॉल रे 63 रन विस्फोरक इनिंग्स खेलिथिले इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव 14 रन करथिबा बळे अधिनायक रोहित शर्मा 27 राहुल 5 रन करथिले इंग्लैंड पक्षरु क्रिस जोर्डन 3टी विकेट नेइथिले 168 रन लक्ष्य को पीछा करी इंग्लैंड आरंभरु आक्रमण करथिला दुई ओपनर अधिनायक जोस बटलर एक्सेल हेल्स भारतीय बोलर को विकेट नेबा पई कोनोसी सुजोग दे नथिले 2016 ओवर रे निजो टीम को विजयी कराइथिले ए बटलर 49 बॉल रे 80 ओ हेल्स 86 रन करी अपराजित थिले